मैं दीपक रजक डिजियाना न्यूज में आपका स्वागत करता हूँ। आइए नजर डालते हैं अभी तक की प्रमुख खबरों पर। जिला न्यायालय परिसर में वृहद विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें नशा मुक्ति के लिए जागरूकता के विषय पर एक नाटिका दिखाई गई, जिसमें शराब के नशे से होने वाले नुकसान को बताया गया और नशे को दूर करने के लिए जागृत भी किया गया। नशा है नशा, देख लौटे वहां देख। डीएसओ द्वारा कॉलेज में अपने छात्र संगठन की हाजिरी दर्ज कराने के लिए आए दिन कोई ना कोई गतिविधि संचालित करती आ रही है। इसके पास छात्रों को लेकर रोज एक नया मुद्दा होता है। अब डीएसओ ने सेमेस्टर प्रणाली बंद किए जाने को लेकर सरकार का आभार माना है। कॉलेज में छात्र संगठन ऑल इंडिया डीएसओ की ओर से नवीन जो प्रवेश के लिए छात्र आ रहे हैं उनकी मदद के लिए हम लोग यहाँ पर हेल्प कर रहे हैं। सभी के बीच में फ्रेंड्स के बीच में घूमते मैं आई हेल्प करके हम इस तरह से सभी की मदद के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे नए छात्रों को बहुत सारी टेक्निकलिटीज़ मालूम नहीं होती हैं, इस तरह से हम लोग पिछले सालों से लगातार करते रहे और इस बार भी इस अभियान को हम लोग जारी रखे हुए हैं, जिससे अच्छे ढंग से प्रवेश प्रक्रिया में आसानी भी हो सके, छात्रों को भी समझ में आ सके और इस तरह से हम छात्रों को। छात्र संगठन डीएसओ ने कॉलेज में बंद पड़े रजिस्ट्रेशन रूम को लेकर हंगामा किया। इस संगठन का कहना है कि इन दिनों कॉलेज में प्रवेश प्रक्रिया चल रही है, जिसमें छात्रों को अंक सूची की आवश्यकता होती है, लेकिन बीते 10 दिनों से रजिस्ट्रेशन रूम बंद है, छात्र परेशान हो रहे हैं। छात्र संगठन ने मांग की है कि इसे जल्द से जल्द खोला जाए। अभी हाल ही में जो हमारा विभाग है, रजिस्ट्रेशन विभाग है, जहाँ पर मार्कशीट दी जाती है, अभी वो 10 दिन से बंद है। साथ ही में अभी कई सारे छात्र आ रहे हैं जो लोग मार्कशीट के लिए परेशान हो रहे हैं और उन लोगों के लिए मार्कशीट उपलब्ध नहीं है। अभी जिन व्यक्ति की ड्यूटी है द्वारका बाबूजी की, उनके बच्चे की शादी है, लेकिन 10 दिन हो चुके हैं। अगर किसी व्यक्ति की शादी है तो दूसरे व्यक्ति को अपॉइंटमेंट करना चाहिए, क्योंकि बच्चों का तो भविष्य बर्बाद हो रहा है। अभी दो लोगों को TC कटाना है, उनको मार्कशीट चाहिए, वो अभी तक मार्कशीट उपलब्ध नहीं कराई। मांग भी कर रहे हैं कि यहाँ पर किसी दूसरे को बैठाया जाए अगर वो छुट्टी पर है, और छुट्टी के लिए 3 दिन का उनका समय दिया गया था, आज 7-10 दिन हो चुके हैं, अभी तक वो नहीं हुआ। तो ये मांग है, छात्रों परेशान हो रहे हैं। ट्रिपल मर्डर में आरोपी पूनम दुबे उर्फ पक्का को न्यायालय से कैंट पुलिस ने दोबारा रिमांड पर मांग लिया है, जिसके लिए अब पुलिस को 3 दिन का पूनम पक्का का रिमांड मिल गया है, जिसे लेकर कैंट पुलिस हेमंत मीना की हत्या के मामले में छानबीन करने कई जगह लेकर पहुंची। रख के चला करो ना, इसमें क्या है जी। ये हेमंत मर्डर केस में PR पे आरोपी है पूर्णिमा और पूनम दुबे, इनको यहाँ पर घटनास्थल पर लेकर आए थे पूछताछ के दौरान। यहाँ पर जो इनके द्वारा उसकी अर्जली शब्द की कुछ हड्डियाँ और पेट्रोल वाली बोतल इन्होंने इनके द्वारा छुपाई गई थी, वो उसको रिकवर कर लिया है और अभी और पूछताछ की जा रही है इस पर। मंदसौर में किसानों की मौत के बाद वहां की स्थिति का जायजा लेने पहुंचे राहुल गांधी को पुलिस द्वारा रोकने और गिरफ्तार करने के मामले में गुना के कांग्रेसियों में नाराजगी है। इस मामले में जिला कांग्रेस ने चौराहे पर प्रदर्शन किया।
और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का पुतला दहन भी किया, जिसमें कार्यकर्ताओं की पुलिस के साथ धक्का मुक्की भी हुई। किसानों के सम्मान में कांग्रेस मैदान में पुलिस की दम पर ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पुलिस की गुंडागर्दी बंद करो, बंद करो, बंद करो। पुलिस की गुंडागर्दी बंद करो, बंद करो, बंद करो। विरोध की अभिव्यक्ति की, जिसके कि शिवराज सिंह चौहान अब पात्र बन चुके हैं। हम लोग
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से अपनी पुरानी मांग फिर कर दी है कि वे अपने पद से त्याग पत्र दें, और हमारी प्रधानमंत्री मोदी जी से भी ये मांग है कि यदि वे इसमें विलंब करेंगे और उसके बाद यदि बदलाव करेंगे तो भी वो इस जोट से बच नहीं पाएंगे कि उन्होंने 6 किसानों को शहीद करने के अलावा एक राष्ट्रीय पार्टी के नेता के खिलाफ केवल इसलिए कार्रवाई की क्योंकि वो किसानों की आवाज़ बुलंद करने आए थे। हम सब किसानों की आवाज़ बुलंद कर रहे हैं और करते रहेंगे, चाहे भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार के इशारे पर प्रशासन हम कांग्रेस जनों पे किसी भी प्रकार की कार्रवाई करे, कांग्रेस जन डरने वाले नहीं है। आज के लिए बस इतना ही, कल ताज़ा तरीन खबरों के साथ हम डिजियाना न्यूज़ में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।